नमस्कार, आप आज हम आपको पार्ट टू यानी जो बच्चे एएलपी सीपीटी टू एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको, जो इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और वायरमैन ट्रेड जिन्होंने चुना है उनको हम बेसिक क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे। और जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट पार्ट है उसमें भी आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि चाहे आप किसी भी ब्रांच में हो, रेलवे आपको ये मान के चलता है कि आप बेसिक इंजीनियरिंग जानते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, उसके सिलेबस में आपके बेसिक इंजीनियरिंग के भी कुछ क्वेश्चंस आने हैं, तो आपके लिए, उन सभी बच्चों के लिए भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देखिएगा। सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस हैं, आइए हम देखते हैं क्वेश्चंस पे। हम वीडियो को थोड़ा सा जल्दी पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि एक अच्छे कंडक्टर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वह केवल और केवल मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वह लंबाई चौड़ाई इन पर डिपेंड नहीं करता, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यानी रो डिपेंड नहीं करती, रो रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती। अगला क्वेश्चन है कि लोड स्विच ऑफ करने पर सर्किट में स्पार्किंग क्यों होती है। तो जो स्विच के अंदर होता है थोड़ी सी वाइंडिंग टाइप का जो कंडक्टर बना हुआ होता है, उसी की वजह से उसमें क्या होता है, फ्लक्स, अलग से फ्लक्स, एक्स्ट्रा फ्लक्स उसमें जनरेट होता है। और जब भी हम ऑफ करते हैं तो जो भी इंडक्टर होता है सडन चेंज इन करंट यानी धारा अगर अचानक से बदलती है तो उसका विरोध करता है। तो उसी कंडीशन में जब हम ऑफ करते हैं तो करंट वहां पर अचानक से कम होने लगती है, तो वहां पर जो फ्लक्स की वजह से, इंडक्टर की वजह से, इंडक्टेंस की वजह से उसमें सर्किट में स्पार्किंग होती है। अगला क्वेश्चन है कि छत के पंखे के बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा होगा। तो अगर रोटर घूम रहा है यानी स्टेटर, हमारा जो नॉर्मल पंखा होता है जो हम एसी यूज करते हैं जिसमें हमारी जो बाहर से जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो हमारी सप्लाई देता है, हमें जो इलेक्ट्रिसिटी विभाग हमें सप्लाई देता है, तो जनरली हमारी एसी होती है। और उससे जो हम चलाने वाला फ़ैन यूज करते हैं वो एसी फ़ैन होते हैं। तो जो एसी फ़ैन होते हैं उनका जो स्टेटर वाला पार्ट यानी बाहरी हिस्सा होता है वो घूमता है, लेकिन जो डीसी फ़ैन होते हैं उसका अंदर वाला हिस्सा घूमता है। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि डीसी फैन का जो है रोटर घूमता है, स्टेटर नहीं घूमता है। क्लियर, इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सा फ़ैन, जो सीलिंग फ़ैन है जो अगर उसका बाहर वाला हिस्सा घूम रहा है तो कौन सा फ़ैन होगा, एसी फ़ैन होगा। ठीक है, कि किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस का तापमान टेम्परेचर कोफिशियंट कितना होता है। तो टेम्परेचर कोफिशियंट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अलग अलग टेम्परेचर पर उसका मान भी चेंज होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि टेम्परेचर कोफिशियंट टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है यानी तापमान पर डिपेंड करता है, तापमान बदलेगा तो कोफिशियंट का मान भी बदलेगा। अगला क्वेश्चन है कि करंट का चिन्ह क्या है। तो करंट का जो सिंबल होता है वो आई होता है, यानी आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्टेज को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से डिपेंड करते हैं, रेजिस्टिविटी को रो से डिपेंड करते हैं। ये सारी बेसिक क्वांटिटीज हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। और करंट की यूनिट क्या होती है, करंट की यूनिट होती है एम्पियर, एम्पियर यानी ए, हम उसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा औजार प्रयोग करते हैं। तो किसी जॉब को पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइस आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके की डिवाइस होती है, सभी ने यूज की होगी अपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग बीटेक आपने जो भी किया होगा बेंच वाइस का प्रयोग जरूर किया होगा, क्योंकि ये बेसिक पार्ट होते हैं, आपको वर्कशॉप में सिखाए जाते हैं ना। आप यहां से जो भी लिंक है, आप जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो आप यहां पर जो दिख रहा है आपको टेलीग्राम का लिंक, यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, आप ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है आप उस पर भी जा सकते हैं, आप इसमें से किसी भी लिंक पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी सर्किट में आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाया जाए तो क्या होगा। आवश्यकता से अधिक रेटिंग का फ्यूज लगाने का इफेक्ट होता है कि जब जो फ्यूज होता है उसका काम होता है कि जब करंट ज़्यादा हो जाए या करंट बढ़ जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो बाकी अप्लायंसेस हैं वो ऑपरेट नहीं होने चाहिए, बंद होने चाहिए, यानी सर्किट जो पाथ है, जो करंट जिसमें फ्लो कर रही है उसको ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो ओवरलोड की कंडीशन में अगर रेटिंग ज़्यादा है तो ज़्यादा करंट को जाने देने के लिए अलाउ करेंगी, और ज़्यादा करंट जाएगा तो हमारा ही नुकसान होगा, यानी अप्लायंसेस जो उस करंट को बर्दाश्त नहीं कर सकते या उस करंट को जो कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, तो हमारी हानि होगी, यानी ओवरलोड होने पर गंभीर हानि होगी। ठीक है, इसलिए ज़्यादा रेटिंग का नहीं लगाना चाहिए। जितना हम करंट सप्लाई यूज़ कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेटिंग का, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी ज़्यादा रेटिंग का लगाना चाहिए, जिससे नॉर्मली बार बार ना फ्यूज होता है। क्लियर,
लैंप लोड की दशा में जब एक से अधिक लैंप स्विच ऑन किए जाएँ तो लोड का कुल रेजिस्टेंस क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम पैरेलल में काफ़ी सारे जो लोड हम ऑपरेट करते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो जो होता है वो सबसे लो, पैरेलल में अगर लोड्स लगे हुए हैं तो पैरेलल में लगे हुए रेजिस्टेंस में जो सबसे लोवेस्ट रेजिस्टेंस होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान लोवेस्ट रेजिस्टेंस से भी कम होता है। अरे बात समझ में, तो आप इस तरीके से इसको भी समझ सकते हैं, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। चार लैंप 100 वाट, अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि चार लैंप प्रत्येक जो है 100 वाट 200 वोल्ट के रेटिंग के हैं, जो 200 वोल्ट सप्लाई पर पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। पैरेलल थोड़ा सा पीडीएफ में कन्वर्ट किए हैं तो ऑटोमेटिक इस तरीके से चेंज हो जाता है, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो इसको ध्यान दीजिएगा, पैरेलल लिखा हुआ है ना, तो इसको पैरेलल समझिएगा। पैरेलल में लगे हुए हैं तो इन लैंप द्वारा लिया जाने वाला करंट कितना होगा, तो अगर पैरेलल में लगे हैं तो वोल्टेज सबको बराबर मिलेगा, आपको पता है कि वोल्टेज पैरेलल में बराबर होता है, और करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। करंट क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। करंट कब बदलेगी, करंट का मतलब धारा, धारा को अगर अलग अलग रास्ते मिलेंगे तो सभी रास्ते में जाने की कोशिश करेगी, और जिसमें ज़्यादा जाना आसान होगा उसमें बहुत ज़्यादा धारा जाएगी, जिसमें ज़्यादा ढलान होगी, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है, ठीक है। तो अलग अलग रास्ते पैरेलल में मिलते हैं तो पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाती है, लेकिन पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। समानांतर श्रेणी में जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा, आप यहाँ से वोल्टेज आप देख सकते हैं 200 वोल्ट ही होगा। आप यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं कि किसी एक ब्रांच में करंट कितनी जाएगी, तो आप जो इक्वेशन है पावर W, यहाँ पर लिखा हुआ W को P आप पावर समझिएगा, पावर को जब हम वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो एक ब्रांच में करंट मिलेगा, तो टोटल करंट हमारा हो जाएगा इस प्रकार से, अगर हम सभी ब्रांच को ऐड करेंगे जो सप्लाई से करंट जा रही है वो 2 एम्पियर होगी, ठीक है, सभी करंट, सभी ब्रांच करंट का टोटल होगी। फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कैसी होनी चाहिए, फ्यूज के लिए उपयुक्त होने वाली धातु कम गलनांक और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उनका अधिक होना चाहिए। कम गलनांक मतलब होना चाहिए कि जैसे ही करंट अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ती है या थोड़ी सी भी बढ़ती है तो जो इसका हीटिंग इफेक्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है, I²R, यानी थोड़ी सी भी करंट बढ़ी तो I² का इफेक्ट ये होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर R तो बढ़ा घटा सकते नहीं है, और लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन कॉन्स्टेंट ही रहेगा उसका, तो उस कंडीशन में जो रो है हम उसका मान क्या रखते हैं, ज़्यादा रखते हैं, जिससे टोटल जो हीटिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा हो। तो गलनांक कम होना चाहिए और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अधिक होगा तो रेजिस्टेंस भी अधिक होगा, क्लियर, ठीक। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि एक मानक लंबाई की कॉपर तार के आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी लंबाई 3 गुना बढ़ा दी जाती है, यानी एक जो कोई भी वायर है उसका आयतन, यानी उस वायर में अलग से कोई मटेरियल ऐड नहीं किया जा रहा है, उसी वायर को खींच के कितना कर दिया रहा है, 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर R1 = ρ L1/L1 है, इस पर हमने डिस्कस किया ऊपर फार्मूले पर, और R2 = ρ L2/A2 है, तो आप यहाँ से R1/R2 का रेशियो निकाल सकते हैं, कितना होगा L1A2 / L2A1, और जो वॉल्यूम होगा वो कॉन्स्टेंट होगा L1A1 = L2A2, लेंथ इंटू एरिया वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से आप दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं। आप जब इन दोनों इक्वेशन को एक जगह पर रखेंगे तो आपको मिलेगा कि R1 और R2 का रेशियो 1/9 का है, क्लियर। वैसे भी आप थोड़ा सा इसको लॉजिक से देख सकते हैं कि अगर लंबाई बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लंबाई बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान बढ़ता है, तो कितना बढ़ जाएगा, 9 गुना बढ़ जाएगा इनिशियल रेजिस्टेंस का। इनिशियल रेजिस्टेंस है आपका R1, इसको PDF में जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसको दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, क्लियर। एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा कितना भारी होता है, तो प्रोटॉन होता है 10^-7 kg, अबाउट 2.7 × 10^-27, इलेक्ट्रॉन होता है आपका 9.1 × 10^-31 kg, इसको एग्जैक्टली देख लीजिएगा, यानी इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो होता है 10^3 का, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1835 गुना ज़्यादा होता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब भारी कौन होता है, प्रोटॉन भारी होता है, इलेक्ट्रॉन हल्का होता है। कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ता है, कॉपर की तार का रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा, जब तार की लंबाई बढ़ेगी, आप इसको R1 = ρ L1/L1 से देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक
चांदी होता है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद आयरन, ठीक है। तो कॉपर के बाद एल्युमिनियम होता है, फिर आयरन होता है। हम अगर हमारे घर में जो कंडक्टर हम यूज करते हैं, सबसे अगर जो वाइंडिंग अच्छी बनाई जाती है वो कॉपर की बनाई जाती है, जो भी हम वाइंडिंग यूज करते हैं या वायर यूज करते हैं तो कॉपर के वायर अच्छे माने जाते हैं। फिर उसके बाद अगर नहीं मिलता तो हम उसकी जगह पर हम एल्युमिनियम के वायर यूज कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट अगर बात की जाए तो चांदी, लेकिन चांदी क्या होता है, कॉस्टली होता है, तो हम उस वायर के फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। आपके जो बहुत अच्छे अच्छे हेडफोन्स होते हैं, मैं यहाँ पर उनका नाम नहीं लूँगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता, लेकिन जो अच्छे हेडफोन्स होते हैं तो आप उसमें जो कंडक्टर यूज किया जाता है वो सिल्वर मेटल से बना हुआ होता है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन पर जाते हैं। नाइक्रोम को सबसे अधिक कहाँ प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम एलॉय है, यूज किया जाता है हीटर की कॉइल बनाने में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत चर्चित क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है और डेफिनेटली आपके एग्जाम में भी बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 250 बल्ब का रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सिर्फ आपको यहाँ पर फार्मूला यूज करना है, V² / R इज इक्वल टू पावर, वी दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, आप R की वैल्यू एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेमीकंडक्टर का तापमान टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनका रेजिस्टेंस घटता है। ऐसा क्यों होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर उनमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ती है, क्लियर। और जो जो आपके इंसुलेटर होते हैं उनका भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है किसके लिए? कंडक्टर के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो इनको आपको ध्यान में रखना है, जो कंडक्टर होते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस घटता है, क्लियर। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत वोल्टेज के सिंबल क्या है? विद्युत वोल्टेज का सिंबल आपका वोल्ट है। जब एक ही हीटर का तार जल जाता है तो जले हुए भाग को हटाकर दोबारा हीटर चालू करते हैं तो हीटर की पावर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक हीटर है आपका, उस हीटर में कुछ पोर्शन आपका जल गया है, उसको आपने तोड़ के बाहर फेंक दिया, फिर आप हीटर को पुनः कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में पावर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो आपने क्या किया एग्जैक्टली, आपने लेंथ को कम कर लेंथ को आपने कम कर दिया। तो जब आप लेंथ को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका? रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो उस कंडीशन में V² / R, R कम होते ही पावर का मान बढ़ जाएगा, तो हीटर का पावर बढ़ जाएगा, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि यदि 10 ओम के 10 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हुए हैं, समांतर सीरीज में जुड़े हैं, तो उनका संयुक्त रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका एक फार्मूला है, R/N हो जाएगा, यानी 10/10, आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है ना, इसको याद रखना है, आपको एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, आपको इसका डायरेक्ट आंसर लगाना है, तो आपका समय और नंबर मिलेगा, समय भी बचेगा। जब हम घर की वायरिंग में 1000 वाट का हीटर लगाते हैं तब बल्ब का प्रकाश क्यों कम हो जाता है? तो अगर सारे कनेक्शंस हैं आपके घर में तो उस कंडीशन में अगर आप हीटर यूज कर रहे हैं तो, या कोई हायर अप्लायंसेज जो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सप्लाई से हम ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे। अगर हम ज़्यादा करंट ड्रॉ करेंगे, जो हीटर की वायर हमने यूज की है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा तो जो बाकी अप्लायंसेज हैं उनमें कम वोल्टेज या लो वोल्टेज सप्लाई जाएगी। अगर लो वोल्टेज सप्लाई जाएगी तो लैंप भी कम जलेंगे, यानी जो उनका जो प्रकाश होगा वो कम होगा। इसको हम आप लॉजिक से आप समझ सकते हैं, क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चार्ज की इकाई क्या है? विद्युत चार्ज की इकाई कूलम है। ओम के नियम में क्या शर्त थी? ओम के नियम में शर्त थी कि टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट रहना चाहिए। जब तक वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नहीं होगा तो क्या होगा कि हम V और I के बीच रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं और तब तक में वहाँ पर R का मान चेंज हो जा रहा है। R का मान क्यों चेंज होगा? क्योंकि R रो पर डिपेंड करता है और रो का मान टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। मानव शरीर विद्युत का क्या है? मानव शरीर विद्युत का सुचालक है। हमारे शरीर में काफ़ी सारे आयंस होते हैं तो वो भी कंडक्टर का काम करते हैं। तो जैसे ही हम करंट के संपर्क में आते हैं और ग्राउंड हमारे लिए जीरो पोटेंशियल का काम करता है, जीरो वोल्टेज सप्लाई, तो हायर पोटेंशियल या लोअर पोटेंशियल पे हम कनेक्ट होते हैं तो हमारे थ्रू करंट फ्लो करने लगती है, क्लियर। किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है, कैसे पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होगा? यहाँ पर क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो जिन पदार्थ में इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है तो ऐसे पदार्थों का जो रेजिस्टेंस होता है वह कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी अगर कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ने पर, क्वेश्चन थोड़ा सा इनवर्स वे में पूछा गया है, उल्टा पूछा गया है, तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो इसी को आप ऑब्जेक्टिव में जो भी आपके ऑप्शंस रहेंगे उनमें देख के आप आंसर को दे सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ने पर ये इफेक्ट देखने को मिलेगा।
पैरेलल सर्किट, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा, पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर क्या बढ़ जाता है? तो पैरेलल सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर में अगर हम किसी चीज़ को समानांतर श्रेणी में लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन धारा, धारा को जब अलग अलग रास्ते मिलेंगे तो बढ़ जाती है, तो करंट बढ़ती है, वोल्टेज सेम रहती है। किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार क्या होता है? किरचॉफ का दूसरा नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। उनका कथन ये था कि किसी भी क्लोज लूप में जो सर्किट जो जिसमें एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स लगे हुए हैं, उनमें अगर हम जो वोल्टेज ड्रॉप का सम करते हैं, जो ईएमएफ का जो गणितीय योग होता है वो शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होता है? शून्य होता है। टोटल वोल्टेज ड्रॉप, सम ऑफ टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए लूप इज जीरो। क्लियर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जो किरचॉफ्स का करंट लॉ था वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे था, यानी किसी भी नोड पे जो करंट का सम होता है वह शून्य होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि डायरेक्ट करंट के सर्किट में कैसे चलता है, डायरेक्ट करंट किस तरह से चलता है? तो डायरेक्ट करंट जो होता है यूनिट डायरेक्शनल होता है, डायरेक्ट होता है, किसी पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के निगेटिव टर्मिनल की ओर जाता है। तो इसका जो मान और दिशा दोनों कॉन्स्टेंट रहते हैं, वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक अधिक पावर वाले बल्ब का स्विच ऑफ करने पर प्रकाश धीरे धीरे मंद होता है, तो किस प्रकार की सप्लाई दी गई थी? तो ऐसे कंडीशन में आप आंसर दे सकते हैं, जो एसी बल्ब होते हैं वह अल्टरनेटिंग सप्लाई देने की वजह से चलते हैं, और जो डीसी बल्ब होते हैं उसमें क्या होता है, डायरेक्ट करंट सप्लाई होती है। तो डायरेक्ट करंट सप्लाई अगर दी जा रही है तो जो हीटिंग इफेक्ट होगा, जो करंट होगा उसको कम होने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो धीरे धीरे बंद होते हैं, अचानक से बंद नहीं होते। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत अच्छे से पढ़ा है कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही उनका एटॉमिक नंबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ते हैं तो वही उसका जो मास होता है, जो उसका भार होता है, वही आपका भार होता है ना? तो हम यहाँ से देख सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक तापमान से कार्बन का रेजिस्टेंस, तापमान से कार्बन, कम तापमान से कार्बन रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो मेटल होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर पे टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन जो नॉन मेटल होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उनमें टेम्परेचर घटाने पर क्या होता है, जस्ट रिवर्स इफेक्ट होता है, तब उस कंडीशन में रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ेगा, किसका? सिर्फ कंडक्टर का। बाकी लोगों के लिए क्या होगा, बाकी मटेरियल्स के लिए टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, जो दो समान मान वाले रेजिस्टर को समानांतर में जोड़ने पर उनका संयुक्त रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इक्वल वैल्यू के दो रेजिस्टेंस हैं, अगर उनको आप पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो उनका रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा, हमने ऊपर डिस्कस किया है R/2। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, रीजनिंग का है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि सोल्जर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, टिन और लेड का यूज करते हैं। ठीक है, आप जो इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है टिन और लेड का है, बाकी ये पूरा क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन किस दिशा में चलते हैं? तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट में न्यूट्रॉन कभी भी अपनी जगह नहीं, पोजीशन नहीं चेंज करते हैं, कौन मूव करता है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनकी वजह से करंट फ्लो करती है, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, वो सभी नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगला क्वेश्चन है कि एक आलू पर दो कील गाड़ी जाती हैं, दोनों में करंट सप्लाई दी जाती है, और जो करंट की सप्लाई होती है वह सीरीज में होती है, तो कुछ देर बाद जब आलू को देखते हैं तो उसका कलर नहीं बदलता, तो किस प्रकार की सप्लाई है? तो ऐसी सप्लाई एसी सप्लाई होती है, अगर डीसी सप्लाई दी जाती तो उसका कलर चेंज हो जाता। ठीक है, अगला है कि वोल्टेज की एसआई इकाई क्या है? तो वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, सभी को पता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कॉपर का जो व्यास वायर है उसका जो व्यास है और दूसरे कॉपर वायर से दो गुना ज़्यादा है, अगर व्यास ज़्यादा होगा यानी एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम होगा, तो रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको डायरेक्ट आंसर भी देख सकते हैं, कुछ ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे अगर आप लॉजिक लगाएं तो, और आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है, एग्जैक्ट रेशियो फाइंड करना है, तो आप इन दोनों फार्मूले को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। आप पहले रेजिस्टेंस का रेशियो फाइंड करेंगे
और जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा उसका जस्ट इन्वर्स का रेशियो जो होगा वही करंट का रेशियो होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। आप इसको बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं, आप दोनों फार्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 40 वाट 100 वोल्ट का बल्ब कितना करंट लेगा, तो ये सिंपल फार्मूले पर डिपेंड है, पी इक्वल टू वी आई, तो आप यहाँ से करंट का मान निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा 40/100, आप एग्जैक्टली 0.4 एम्पियर आएगा। यहाँ पे एम्पियर नहीं लिखा, आप इसको ध्यान दीजिएगा कि करंट की इकाई एम्पियर होती है। अगला क्वेश्चन है कि यदि तीन रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो तब सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो सर्किट का जो सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो उनका जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वह सम ऑफ आल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R होगा। क्लियर, तो तीनों का जो सम होगा वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R के बराबर होगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन है कि समान पोलरिटी का प्रभाव कैसा होगा, समान पोलरिटी का प्रभाव यानी दो सेम प्रकार के चार्जेस, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अगर आप पास में आते हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, अगर दो नेगेटिव चार्ज आते हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। सेम मैग्नेटिक सर्किट में भी होता है कि समान पोल वाले एक दूसरे को रिपल करते हैं और अपोजिट पोल वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा ह्यूमन बीइंग में, इंसानों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, सभी प्राणियों में होता है। क्लियर, अगला है कि धातुओं में ड्रिल करने से पहले गाइड होल करने के लिए किस औजार का प्रयोग करते हैं, तो गाइड होल यानी हम सिर्फ एक पॉइंट करने के लिए, हम निर्धारित करने के किस जगह ड्रिल करना है, हम उसको पहले सेंटर पंच इस तरीके का एक टूल होता है, हम इसको यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर हम इसको एक बार देख लें तो हमें भूलेगा नहीं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, है ना, रेलवे की एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है। छत के पंखे का बाहरी आवर घूम रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को हमने पहले डिस्कस किया है, तो कौन सा पंखा होगा, एसी फैन होगा जो हमारे घरों में यूज होता है, ठीक है, इसमें स्टेटर रोटेट करता है, ठीक है, रोटर स्टेशनरी रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट और 40 वाट के बल्बों के समान वोल्टेज रेटिंग है, वोल्टेज रेटिंग दोनों की सेम है, तो रेजिस्टेंस किसका अधिक होगा, तो सेम वही फार्मूला आपको पी इक्वल टू वी स्क्वायर आप आर यूज करना है, तो जो इसका वोल्टेज रेटिंग आपका सेम है तो उस कंडीशन में कम वाट जिसका है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर पान आर। अगला क्वेश्चन है कि जब कॉपर व आयरन जंक्शन के थर्मोकपल को गर्म किया जाता है तो ठंडे सिरे से इलेक्ट्रॉन किस ओर जाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, अगर दो चीज़ें आपस में मिक्स किए हैं कॉपर आयरन तो जल्दी गर्म कौन होगा, कॉपर गर्म होगा, कॉपर गर्म होगा तो उससे क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स जल्दी से हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे तो किधर जाना चाहेंगे, कोई भी चीज़ हमेशा हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में रहना चाहती है, तो लोअर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स किधर मूव करेंगे, आयरन की तरफ मूव करेंगे। वैसे भी जब मुक्त अवस्था आएगी तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भी मूव करते हैं, तो कॉपर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे ज़्यादा जनरेट होंगे, उसमें कम होंगे आयरन में, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। क्लियर, हायर कंसंट्रेशन कॉपर की तरफ होगा। अगला क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस का विलोम क्या है, यहाँ पर विलोम शब्द है, रेजिस्टेंस का जस्ट 1/R किसके बराबर होता है, कंडक्टेंस के बराबर होता है। क्लियर, रेजिस्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम, और कंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, ओम इनवर्स, जिसको हम MHO यानी मो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो बल्ब हैं आपके, अगला क्वेश्चन है कि दो बल्ब 100 वाट टू 230 वोल्ट रेटिंग के हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, ध्यान दीजिएगा सीरीज में, ठीक है, सीरीज में कौन सी चीज़ सेम होती है, करंट सेम होती है, क्योंकि धारा को अगर एक ही दिशा दिया जाए, एक ही रास्ता दिया जाए तो कभी बदलेगी नहीं, यानी करंट सेम रहेगी, तो करंट सब में सेम रहेगा, हम करंट का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है, करंट का मान कितना हो जाएगा 100/230 वोल्ट, तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं I का मान, और दोनों में वोल्टेज कितना जाएगा, अगर समान समान दोनों बल्ब हैं तो वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा इक्वली दोनों में, तो हो जाएगा 230/2, तो एक का वोल्टेज मिल गया और एक में मतलब जो करंट फ्लो कर रही वो मिल गया, तो आप पावर बता सकते हैं कितना, पावर विल इक्वल टू I इंटू वी। क्लियर, अगला क्वेश्चन है कि वायरिंग का नाप लेने के लिए कौन सा औजार उपयोग होता है, थोड़ा सा क्वेश्चन मजाकिया टाइप का है, कि नापने का फीता यूज किया जाता है ना, मेजरिंग टेप जिसको हम बोलते हैं, कि कंडक्टर का वायर मेजर करना है, आपने कभी आप जब दुकान पे गए होंगे तो इस तरीके से काफ़ी आपने देखा भी होगा जब आप मांगते हैं, वैसे हालांकि किसी हर सभी वायर्स पे लिखा रहता है लंबाई उनकी रेटेड रहती है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज सर्किट में प्रत्येक रेजिस्टेंस के समानांतर में क्या बढ़ जाता है और करंट समान रहती है, कौन सी चीज़ बढ़ जाती है, तो सीरीज में करंट अगर समान रहती है तो सीरीज में कौन सी चीज़ बदल जाएगी, जस्ट उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो है वोल्टेज, तो वोल्टेज क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है,
जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें ज़्यादा वोल्टेज होगा, जिसमें कम रेजिस्टेंस होगा उसमें कम वोल्टेज होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कब कम बढ़ती है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन एग्जैक्ट क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टिविटी का मान भी बढ़ता है, यानी रेजिस्टेंस जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आप आज हमारा ये पार्ट 2 है इसका।